How difficult was it for you to take this decision कि मतलब यू नो यू वॉन्ट टू परफॉर्म, बिकॉज एज वी ऑल नो कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपने डिलीवर किया है बेबी को, तो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू टेक दिस डिसीजन? आई थिंक दिस डिसीजन वॉजंट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमेशा हमने काम किया है और अभी बहुत लोगों से ऐसे मिले हैं जो लोग बेबीज़ करना नहीं चाहते. मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि करियर ख़त्म हो जाएगा. तो बिल्कुल मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ और उन लोगों का वो जो फियर है टू यू नो हैव अ फैमिली, उस फियर से भी मैं मुक्त करना चाहती हूँ ये बोल के कि इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल इन योर माइंड. और हाँ, मतलब एज अ वूमेन हम मल्टीटास्किंग हमेशा करते थे और आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे. तो मल्टीटास्किंग इज़ आवर सेकेंड नेम. आई थिंक ऑल द वुमेन आउट हियर विल अग्री, क्योंकि घर का काम, बाहर का काम, किचन का काम, हस्बैंड का काम, सब कुछ हम लोग संभाल सकते हैं. सो इट इज़ संभालना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स हियर एंड वी ऑल कैन डू इट. सो इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग, प्लानिंग, यू कैन टेक द प्लंज. एंड गुरमीत, आपसे भी जानना चाहूँगी, यू नो हाउ रिस्पॉन्सिबल अब आप फील कर रहे हैं, दो दो बेटी बेटियों के बाप हो गए. बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही है अभी भी. खुद के खेलना कूदना, जिम, सारा खुद को लेके एकदम, मतलब उसको लगता ही नहीं, मुझे याद दिलाना पड़ता है बेबीज को दिखा के, गुरु ये तुम्हारी बेटी है, ओ हाँ दो 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 ऐसे. ज़्यादा नटक, क्या क्या ये अच्छा नाम आपने दिया मुझे, ज़्यादा नटखट हो गए. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रही वो भी सही है और जो दिबिना बोल रही वो भी सही है, दोनों है. लेकिन ये मुझे लगता है कि हर हर एक जो नया बाप बनता है उसको एक समझ में थोड़ा कभी कभी होता है कि आपको ये फिल्म नहीं है. यू नो फिल्मों में हम देखते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि एक एक बेबी आया तो गाने चलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट वो ठीक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. मतलब उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा चीज़. और आई थिंक मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ देबीना. देबीना जिस तरीके से हैंडल कर रही है बेबीज़ को, वो तो मुझे तो लगता है कि मैं आराम से अपनी मीटिंग में जाता हूँ, शूटिंग करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. एंड देबीना का बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बोला कि यार काम पहले है. जब देबीना का काम आता है थोड़ा मेरा सपोर्ट हो जाता है, बट ज़्यादा सपोर्ट देबीना का हमेशा रहता है. वो जिस तरीके से हैंडल कर रही है सारी सिचुएशन को, हैट्स ऑफ. थैंक यू. मेरा सवाल देबीना के लिए है. देबीना, जिस तरीके से आपने बताया कि आप सभी कामों को संभालती है, साथ ही साथ हम आपके व्लॉग्स भी देखते हैं, हर वुमेन्स को इंस्पायर करती है आप, तो ये भी जानना चाहेंगे, अब जब मॉम डैड को गुरमीत और देबीना के नाम से जानते थे, अब जब आपके बेबीज के नाम से जब जानेंगे कि हाँ ये देबीना की मॉम है, कैसा लगता है जब, बिकॉज व्लॉग में तो हम देखते ही है, सो कैसा लगेगा जब आपको सभी जानेंगे एज लियानाज मॉम? ऑलरेडी ये होने लग गया है कि हम लोग हॉस्पिटल में गए थे और उसको नेब्यूलाइजर देने के लिए, और लोग आए और बोले लियाना है, अरे वो लियाना के मम्मी पापा. हमें ऑलरेडी लगा माई गॉड इट इज़ समथिंग लाइक, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, बट मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को मिलना चाहते हैं, जेन्युइनली लियाना से मिलना चाहते हैं. तो वो लोग सब आ सकते हैं कांदिवली में, मतलब हम लोग खुला मिलेंगे सबसे. गुरमीत, व्हाट अबाउट यू? जो दिबिना ने कहा वही सेम. मुझे बोला गया दिबिना ने इतना ही बोलना है. रेड्डी साहब, समथिंग यू नो दे हैव बीन एसोसिएटेड विद फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक, व्हेन दिबिना, व्हाट आई वुड से दिस टाइम, हाउ बिग इट? नो, इट्स गोइंग टू बी आई थिंक द बिगेस्ट सो फार इन बॉम्बे. And no, Debina and Guru, I think they have been in the country club, so it's but natural that they react to the situation. In fact, I was actually worried because Debina was had just conceived a baby, so I was not very sure whether they would be in the mood to perform. But I was pleasantly surprised and also happy that they have chosen to perform and that country club was able to motivate them to come back on the stage immediately. So I think let's give a big hand to Debina for her spirit. This will motivate a lot of women. I think in one way, actually speaking, looking back in life, you know, country club is really the biggest motivating factor in my life also. The first thing that I do when I morning when I get up was to jump out of the bed only, because I know that something is waiting for me, people are waiting, and
you know, my first, I mean, that is the first step is my, the biggest motivation, and then to hit the gym and then to go to the swimming pool, reaching the office before 9. A lot of people think I'm very conservative, but then that's the way I am, and I think people from, basically from Hyderabad, people from the south, are very, very early risers, and they are quite hardworking, and maybe I have inherited these qualities right from my forefathers, because they're basically, people are very, very early risers. And of course, a lot of people say or think that I work very hard, but for me, every single day in the country club is like a dream come true. So I think it's just going forward. More so after what happened in the last 3 years during the COVID times. I mean, to be alive is a blessing actually. And to handle a company with about 5,000 people, not one person we have sacked or removed. All the 5,000 people we were able to give them employment, continue in that, despite all odds. So I think if you ask me what happened in the last 2-3 years, this is what happened. We have survived, not only survived, we are now growing. And of course, our franchisee route, where we have taken more than 100 franchises recently, shows the strength of the brand, strength of the brand Country Club, not only here, but also abroad. So I think, if you look at me behind every event or something that is negative, I think there is something positive that is also happening. So I'm sure, I think we have come out in a very big way, and now the world is our stage. Oh, that's what I feel. वेल ये साल तो आप सभी जानते हैं, पिछले 2 साल से काफ़ी गाने किए हैं और काफ़ी वो चले हैं. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हम एक एक्टर को, उनके लाइफ में बहुत अच्छे हिट गाने होने बहुत ज़रूरी हैं. उस पर थोड़ा फोकस किया मैंने और काफ़ी गाने चल पड़े हैं. अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार आपने बॉडी शॉडी काफ़ी बना ली, क्या चल रहा है? तो आई थिंक जो आप देख रहे हो कि थोड़ा अलग हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और वो काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग होगा. So this is the 30th year. 32nd year of Country Club. So what is going to happen this year? After like from the last 2 years, we are seeing because of pandemic, the situation is not good. But this year, you both are going to perform. How it is going to happen? You're seeing the response, no? The media. I have just finished a media conference in Hyderabad, and yesterday I was in Bangalore. You will not believe. I mean, maybe they call it revenge tourism or whatever it is. The entire, I mean, one of the biggest media event in Hyderabad especially, and also yesterday in Bangalore. So I think we have, I'm sure in other territories, other geographies, we are doing in 10 different places, whether it is Delhi, Calcutta, Ahmedabad, Surat, Pune, Bombay, Hyderabad, Kerala, Chennai. So I think it is just a reflection of the sentiment that might happen across the country. It is, if you ask me, it will be the biggest private party. Best that people come and enjoy the new year. और जिस तरीके से कंट्री क्लब में होता है, एक्चुअली इवेंट्स बहुत जगह पे होता है, और हम लोग कंट्री क्लब में हम खुद एसोसिएट होना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, पूरी पूरी फैमिली रहती है. मतलब सिर्फ बैचलर्स आके पार्टी करते हैं ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूरी पूरी फैमिलीज बच्चे बच्चे लेके आते हैं सब लोग पार्टी करने के लिए, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज, सिक्योरिटी, फूड इतने अच्छे से होता है, सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं. तो हम भी इन्जॉय करते हैं, सब लोग जब इन्जॉय करते हैं तब हम भी इन्जॉय करते हैं. तो इसीलिए हम लोगों ने खुद एक्चुअली सोचा कि हमें करना ही चाहिए इस साल, और इससे अच्छा हम लोग खुद अपने लिए न्यू ईयर को वेलकम नहीं कर सकते थे. फॉर एन आर्टिस्ट टू परफॉर्म वाइल एंटरिंग द न्यू ईयर इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि आप अगले पूरे साल कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, और ऐसा मतलब ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते रहोगे, एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो इट्स अ ह्यूज दिस थिंग दैट वी इंटरेक्ट विद देम एंड वी परफॉर्म फॉर देम, एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और लोगों को मतलब न्यू ईयर पार्टी ढूंढने के लिए शहर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स राइट हियर इन कांदिवली, सो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी. हमारे भी घर के बहुत नज़दीक है. That's so sweet. साथ ही फिल्म में हमने देखा अभी
जो पहले के जो क्लिप्स दिखाते हैं आप दोनों बहुत ही अलग लग रहे थे, अब देखो तो बहुत अलग. क्या कुछ यादें आई हैं उस समय की और अब जब यहाँ स्विच हुए? वेल यार यादें तो काफ़ी है क्योंकि 31st मैं हमेशा ये मानता था कि यू नो एज एन एक्टर कि हम सभी 31st के लिए ढूंढते हैं पार्टी जाना, हम पैसा देते हैं कहीं और जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना 31st में खुद परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने, वो अलग होता है. और जब मैं ये सारी क्लिप्स देख रहा था तो यहाँ से कंट्री क्लब से ये शुरुआत हुई थी हम दोनों की यहाँ से परफॉर्म करने का, और मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं 31st को क्योंकि स्टेज होता है, स्टेज के पीछे हमारे सारे दोस्त, हमारी सारी फैमिली आ जाती है, हम वहीं पर खाते हैं, मस्ती करते हैं, परफॉर्म करते हैं और सारे फैमिली साथ में देख रहे होते हैं और पूरी दुनिया देख रही होती है, लाइव जब होता है वो हर न्यूज़ चैनल में. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि 31st में आपको डांस करने को मिल रहा है आप अपने फैंस के सामने, और ये सारी फोटोज़ वीडियोस देख के तो ऐसा लग रहा था यार टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है. क्या पता आप अपने आप को भी देख ले ब्लॉग में, आप सब दिखेंगे तो मेरा ब्लॉग देखते रहिए. आप में से कोई एक कैमरामैन है हमारा भी? हाँ एक हमारा हमारा है, कैबिनेट डिकोड्स का कैमरा भी चल रहा है, तो आप लोग अपने आप को भी देखेंगे. तो आई थिंक या वी आर शोइंग आवर जर्नी और एंजॉय कर रहे होंगे आप मेरा व्लॉग देखना. तो आज का दिन भी मैंने रिकॉर्ड किया है, होपफुली आई विल बी एबल टू शो माय साइड ऑफ द स्टोरी. जो ग्लैमर जो ग्लिटर दिखता है उसके पीछे का हमारा जो मेहनत होता है, दुविधा कश्मकश सब कुछ दिखता है, एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक इट्स वेरी फुलफिलिंग. क्या हम आप दोनों को भी आने वाले दिनों में कोई प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं साथ में? जी साथ में का तो राइट नाउ पता नहीं गुरु. हाँ मतलब अगर ऑफर हुआ तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट. तो साथ में का तो पता नहीं, पर गुरमीत तो दिख ही रहे हैं. और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम दोनों कितने अलग दिख रहे थे, मुझे लग रहा है गुरमीत तो ज़्यादा अलग नहीं दिख रहे, हेयर स्टाइल बदला है, मैं अलग दिख रही हूँ. और क्योंकि मैं काफ़ी पतली थी एंड आई हैव रीजंस टू पुट ऑन अ लिटिल वेट, फिर भी उस हिसाब से नहीं है. बट बाय द टाइम 31st को आप लोग देखेंगे, क्या पता कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाए और वो भी काफ़ी मोटिवेशनल हो. Expected crowd, I think about 5,000 people in Kandivali and another 5,000 people in Andheri. So I'm sure, I think this is going to be a big crowd and holiday because ours is the only club, like I was telling you, is going to be a family affair. So as usual, I think all roads will lead to the country club, whichever city it is there. So I think history is going to repeat itself. Crowd is every time, it is very huge, but very organized. That's what we love. In country club, the audience also is like stars. They dance along with the stars. Yeah, that's true. So that is very important, you know, because that's where actually the entire enthusiasm comes from. Everybody is looking for the coming year in a huge manner. So I'm sure, I think they'll break all barriers to be there with us on that day, whichever city. ये सुबह शाम मुझे लगता है बिग बॉस ही देखती है. और सुबह नहीं देखती हूँ, अच्छा, शाम को देखती हूँ. ठीक है. और एक्चुअली व्हेन यू आर एट होम, और जो लोग घर पे बैठे रहते हैं विथ सो मेनी घर का काम जहाँ पे आपको बहुत देर तक एक जगह बैठे रहना पड़ता है, तो आप बिग बॉस देखते हो, तो मैं देख रही हूँ गुरमीत के. अच्छा, प्रोजेक्टर में लगा के, हमारे घर में बड़ा प्रोजेक्टर है, तो आप सोचिए बिग बॉस बड़े से हॉल में प्रोजेक्टर में चल रहा होता है, तो ये आपको जबरदस्ती देखना भी पड़ता है. गुरमीत तो देखते हैं. और नहीं नहीं मैं तो डेफिनेटली इंजॉय करती हूँ, और लोग जितना लड़ाई करते हैं उतना अच्छा लगता है. और गुरमीत का दोस्त भी है शालीन, और हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा खेले और काफ़ी अच्छा करे. सब लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब इस बार ऐसे कोई स्टैंड आउट नहीं हुआ है, बट तो इसीलिए उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो पकने दे रहे हैं, थोड़ा सा और कुक हो तो समझ में आएगा. शालीन और टीना की जोड़ी कैसी लगती है? पर मैंने सुना टीना एलिमिनेट हो गई, तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी क्या होगा आगे. नहीं हुई? अरे वाह सप्लाई वाह.
दादी गुरमीत चैलेंज के बारे में आपने कुछ सुना होगा, हमेशा चिकन की डिमांड करते ही हर किसी से लड़ते हैं। ये मुझे वो आके पूछना है उससे शालिन से, भाई इतना चिकन क्यों खा रहा है तू? बट नहीं नहीं, इज़ अ वेरी स्वीट बॉय यार, मतलब वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है वो। मैं और शालिन बचपन के दोस्त हैं, वो जबलपुर से आया था, मैं डैड की पोस्टिंग जबलपुर थी, तो मैं भी वहाँ से जबलपुर से ही बॉम्बे आया था एक्टर बनने, तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत मेहनती लड़का है और मुझे लगता है उसको देख के खुशी होती है, अच्छा लग रहा है। मैं बिग बॉस देखती हूँ ऑडियंस जैसे, मेरे लिए पहले का दोस्त वोस्त कोई नहीं होता है, शो में जो अच्छा कर रहे हैं मैं उनके फैन हो जाती हूँ। तो आप अभी किसकी फैन हैं? बोला ना, अभी तक कुछ ठीक से कोई उठ के आए नहीं, अभी स्टिल कुकिंग, तो जब थोड़ा कुक हो जाएगा ना तो पता चलेगा असली चिकन और बिरयानी अलग होगा। गुरमीत, आपको अगर शालिन के एज अ शालिन के फ्रेंड अगर घर में जाने का मौका मिलेगा तो एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे शालिन को? चिकन नहीं यार, शालिन अच्छा, मुझे लगता है कि शालिन अच्छा खेल रहा है। एक्चुअली सबसे अच्छी बात है शालिन की, मुझे ये लगती है कि वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमेशा दिखेगा आपको। सबसे ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मतलब जो है उसका प्रेजेंट जो है वो उसका है, शालिन का, वो हमेशा हर एपिसोड में उसका कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो विच इज़ गुड यार। आप बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट, आप कभी गंदे दिखते हो कभी अच्छे दिखते हो, यू नेवर नो कि एंड तक शालिन किस तरीके से गेम खेल रहा हो और बहुत अच्छा कर पाए, वो इनफैक्ट अच्छा कर रहा है। जो बाहर है वो लोग का पता नहीं बॉम्बे के, जो लोग मुंबई में हैं वो लोग सब आ जाइए कांदिवली में, अंधेरी में बाकी लोग आ सकते हैं, अगर आप दूर नहीं आ सकते आपके लिए तो। नहीं, बाहर वालों के लिए मैं लाइव रखूंगा, इनफैक्ट इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर हर जगह पे हम लोग लाइव रखेंगे, सो दैट आप हमें जो दूर के जितने भी फैंस हैं वो भी हमें देख सकते हैं। थैंक यू।